हाँ पंकज समय तो छोड़ दिया क्यों खींच रही हूँ मैम देख रही हूँ मुझे तो ये दिखेगा फिर कैमरे में तो वही मैं इसे ऊपर कर रही हूँ क्योंकि अभी भी दिख रहा है ध्यान से देखो मुड़ के बैठी हम मुड़ के बैठ गया हो गया थोड़ा सा दिख रहा है चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एग्जाम फॉर हम है कलम से क्रांति मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों की साइंस की पंचामृत में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग रोज सुबह मिलते हैं 5:55 पे और करते हैं अपने 5 क्वेश्चन साइंस के अलग अलग सेक्शन से एक क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनवायरमेंट और साथ साथ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या फिर करंट अफेयर्स का तो चलिए फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपना जरूर नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही किए एंड नेक्स्ट बात आ जाती है आप लोगों के लिए कि ये जरूर मतलब अपना अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है 5 मिनट का छोटा सा सेशन जिसमें आपके क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा प्रोत्साहन भी कीजिएगा यानी कि अपने मैम का मनोबल भी जरूर बढ़ाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है 7 अप्रैल 7 मई 8 अप्रैल या 8 मई तो आप में से अगर सभी बच्चे जानते हो यानी कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है अपना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ठीक है कब मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो क्या है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ यानी कि हमारा जो प्लैनेट है हमारा जो ग्रह है वही उसी से कहीं ना कहीं हमारा जो स्वास्थ्य है वह जुड़ा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा आवर प्लैनेट आवर हेल्थ इसका थीम है इस वर्ष का 7 अप्रैल 2022 का और इसी को हम इसी दिन मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं एंड इवन मैं अगर बताऊं सूरज की किरणें जब पृथ्वी तक पहुंच रही है वो फास्टेस्ट तरीके से पहुंचती हैं और ये जो तरीका होता है क्या ये विकिरण है क्या ये चालन है संवहन है या फिर विसरण है तो ध्यान रखिएगा हमारे पास हीट के ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन यानी कि चालन संवहन और विकिरण। जब भी हम सॉलिड्स की बात करते हैं वहां पे कंडक्शन यानी कि चालन होता है लिक्विड्स और गैसेस में संवहन होता है और अगर कभी हम वैक्यूम में कभी भी हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं ठीक है तो वहां पे जो भी हीट का सोर्स है उस सोर्स से जो भी लाइट रेज या हीट रेज आ रही होती है वो सबसे तेज तरीके से आती है विकिरण के माध्यम से ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ी हूं और मेरा कोई भी जो स्टूडेंट है या कोई भी मित्र है वो इधर खड़े हैं ठीक है तो अगर मुझे अब उस लड़की को क्या देना है एक बुक देनी है ठीक है तो मैं क्या करूंगी मेरे को या तो ऐसा हो कि मेरे बीच में बहुत सारे लोग खड़े हों और हम कहें साथी हाथ बढ़ाना इस बुक को जरा आगे ट्रांसफर करना ठीक है तो ऐसे जब मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल यानी कि एक एक इंसान के हाथ में होते हुए जब वो बुक उस लास्ट बंदे तक पहुंचेगी तो उसको हम क्या कहेंगे कंडक्शन हुआ है चालन। लेकिन मान लीजिए हमारे बीच में इतने सारे लोग मौजूद ना ठीक है ये स्टार्टर है और ये लास्ट जहां तक हमें हीट भेजनी है अगर यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद ना हो पहले तो क्या हो रहा है कंडक्शन में क्या हो रहा है इसने इसको दी इसने इसको इसने इसको इसने इसको इसने इसको इसने इसको और ये फाइनली इनको बुक दे देता है ये तरीका होता है कंडक्शन का। लेकिन कन्वेक्शन में क्या हो रहा है ये है स्टार्टर और ये है रिसीवर ठीक है तो स्टार्टर जब अपनी बुक देना चाहता है रिसीवर को तो ये क्या करेगा ये बीच में किसी भी एक इंसान को पकड़ेगा और ये इंसान को इसको बुक दे देगा ये इंसान चल के जाएगा और रिसीवर को बुक देगा। जैसे आप किसी सरकारी दफ्तर में जाइए एक एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचाने के लिए वो पीएम को बुलाते हैं है ना कि जो है पीएम भैया एक काम कीजिए इस फाइल को जरा सर की टेबल पे दे आइए या सर के कैबिन में दे आइए तो पीएम ने क्या काम किया बुक को देने का काम किया। लेकिन हम जब आम भाषा में बात करें या आम बोलचाल में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं तीसरा तरीका अपनाते हैं मुझे अपने मित्र को जो है बुक देनी है तो मैं फेंक के दूंगी ये ले मैं क्या कर किताब ले ले या पेन ले ले तो इससे क्या हो गया सबसे तेज तरीका कौन सा था ये वाला या फेंक के देने वाला कहोगे मैम फेंक के देने वाला कुछ वैसा ही होता है रेडिएशन जो क्या है जो भी एमिटर है उससे डायरेक्टली पहुंचता है कहां जो भी रिसीवर होता है वहां तक ठीक है तो रेडिएशन के द्वारा ही हीट हमारे तक पहुंचती है। नेक्स्ट है हेपेटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द
ह्यूमन बॉडी यानी कि हिपैटोलॉजी जो होता है यह हमारे शरीर के कौन से भाग से संबंधित होता है। देखिए हिपैट शब्द का मतलब होता है लीवर यानी कि यकृत, ठीक है। लॉजी मीन्स मतलब क्या होता है अध्ययन, तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है हिपैटोलॉजी कहलाता है, लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है, सबसे बड़ा सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है और यह हमारा केमिकल फैक्ट्री भी है। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को रिमूव करना इसका काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप लोग जानते हो कि डॉक्टर सालुंखे को पता कैसे चलता है कि कौन सा जहर इस इंसान ने खाया था सीआईडी में, तो वो लीवर के सैंपल से ही उनको पता चलता है, ठीक है। तो ये अपना बायो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कहता है कि शुष्क बर्फ और डैश का ठोस रूप है। भाई अगर आपसे पूछा जाए ड्राई आइस, तो ड्राई आइस में होता क्या है, बेसिकली जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड सीधा क्या होती है, वह सीधा सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाती है। क्या करेगी वो सीधा गैस से सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, और यही आज आपका होमवर्क है कि कोई भी चीज यदि सीधा गैस से ठोस में आ जाती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पदार्थ ने अपनी अवस्था बदली इस प्रक्रिया का नाम क्या है। उल्टा तो आप सभी जानते हो कि मैम ठोस से गैस हुआ सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, लेकिन अगर वो गैस से ठोस हुआ उसको क्या कहेंगे, होमवर्क है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है ड्राई आइस जो होता है वो क्या है, हमने CO2 को देखा तो सॉलिड CO2 जो होता है उसी को हम ड्राई आइस कहते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि इनमें से कौन सा फ्यूल जो है उसके कारण कम से कम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, यानी कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होगा, कैरोसिन के कारण, डीजल के कारण, हाइड्रोजन के कारण या फिर कोयला के कारण। अरे मैम कितना इजी सवाल पूछा था SSC CGL टियर 1 में, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है हम इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जलने के लिए तो ये जल का निर्माण करता है, और ये जल हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, है ना। तो इस वजह से क्या है, ये जो हाइड्रोजन है इसी को हम क्लीन फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, और इवन इसके कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान भी बहुत अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फ्यूल और हमारा फ्यूचर फ्यूल हो जाता है। अच्छा इसी की वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है। आप में से जितने भी बच्चे हैं सभी ध्यान रखेंगे कि आप लोग 11 बजे सुबह 17 अप्रैल को हमारे एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए आगाज हो रहा है किसी एक बहुत ही स्पेशल चीज का, ठीक है। तो मशाल जो आप लोगों के लिए जलाई जा रही है आप उसके लिए हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, और अभी जाके उस सेशन को लाइक कीजिएगा और साथ साथ रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से मैं ऐसे ही किसी अन्य सेशन में, होमवर्क का आंसर नीचे जरूर कीजिएगा और साथ साथ बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलेंगे मेरी रेगुलर क्लास में दोपहर को 3 बजे SSC Exams by Example YouTube चैनल पे। सो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।